स्टॉक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और हम आज बात करने वाले हैं DHFL शेयर में हुई जो गिरावट है उसके बारे में। दोस्तों यदि हम आज देखें तो अराउंड 3.5% की जो गिरावट है वो देखने को मिली है हमें DHFL शेयर में। दोस्तों इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है एक नेगेटिव न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, एक नेगेटिव न्यूज़ जो है वो कारण बनी हुई है DHFL शेयर में आज गिरावट का। तो हम उस न्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम इसका जो चार्ट है वो देख लेते हैं। ये हमने इसका 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। यदि हम कल क्लोजिंग देखें तो कल क्लोजिंग हुई थी अराउंड 30.74 रुपये पर, और जो आज फ्रेश ओपनिंग हुई है दोस्तों वो ही रेड कैंडल के साथ हुई है और लगातार इस पर गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों इसने सपोर्ट बनाया था अराउंड 29.50 रुपये का और ऊपर आने की इसमें कोशिश की थी, लेकिन आज जो क्लोजिंग हुई इसमें वो भी रेड कैंडल के साथ हुई है। दोस्तों इसके पीछे का जो मुख्य कारण है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है एक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों DHFL में मैं आपको बता दूं कि जॉइंट वेंचर नाम की एक कंपनी है जिसकी हिस्सेदारी जो है दोस्तों वो DHFL के अंदर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जॉइंट वेंचर कंपनी जिसमें कि 49% जो निवेश है वो फॉरेन कंपनीज का है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का है। तो उसकी वजह से ये एक लीगल हर्डल जो है वो बना हुआ है फॉर ओक्ट्री। तो दोस्तों ये न्यूज़ जैसे ही आती है उसके बाद से लगातार जो गिरावट है DHFL के शेयर में हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों हमने जो निष्कर्ष निकाला है इस न्यूज़ का वो ये है कि इसकी जो गिरावट है वो एक दो दिन तक ही हमें देखने को मिलेगी, कुछ खास जो गिरावट है वो देखने को हमें नहीं मिलेगी। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि DHFL के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो लेंडर्स या क्रेडिटर्स हैं उनकी जो है कन्फर्मेशन एक बार ली जाएगी, या हम कहें कि वोटिंग वगैरह ली जाएगी। तो इसके बाद ही जो आगे का डिसीज़न है दोस्तों वो होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी जो होल्डिंग है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा जो सजेशन है वो क्या है। दोस्तों मेरा सजेशन यही होगा कि कंटिन्यू टू होल्ड। यदि आपने शेयर लिया हुआ है और आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो दोस्तों ज़रूर इसे होल्ड ही रखें, इसको प्लीज़ सेल ना करें। और दोस्तों यदि आप इसमें फ्रेश बाइंग बनाना चाहते हैं तो दोस्तों अभी आप फ्रेश बाइंग से ज़रा बचें। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, हो सकता है मे बी एक या दो दिन तक थोड़ा बहुत इसमें जो डाउन ट्रेंड है वो रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि देखें तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा शेयर होने वाला है। तो दोस्तों यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ें होंगी मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।